नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ हैं इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी। सर, आप जो है नेपाल से आए हैं और नेपाल में जो है देखा जाए तो मंदिर बहुत है। बहुत मंदिर होने के बावजूद भी जो है हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वहाँ पर तमाम उठ रही है, क्या लगता है वो क्यों नहीं हो पा रही है पूरी? ऐसा है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ जो ये जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और जो प्रशासन है, शासन है, प्रशासन तो शासन के नीचे है, शासन जो है वो लोग खुद ही स्वयं प्रतिनिधि लोग अपना धर्म परिवर्तन करके और डॉलर लेकर और पास्टर बनकर और जनता को भी मजबूत कर रहा है परिवर्तन करो। तो इस तरीके से वहाँ ये परिवर्तन हो रहा था, जहाँ 99% हिंदू थे, अभी कम के उसमें 84% हो गया, अभी 84 और 20 साल हो गया संसद नहीं बना रहे हैं। और जो सेंसस का तो डिक्लेयर 10 साल में होता है, ये लोग 20 साल हो गया सेंसस डिक्लेयर करने में असमर्थ है और ये लोग कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो हिंदुत्व का संघर्ष गिर चुका है। तो इसलिए ये धर्म युद्ध होगा बोल के ये लोग ने, जहाँ 30% में आ जाएंगे तब डिक्लेयर करके ये लोग ने जनता को गुमराह करके पूरा ईसाई देश बनाने चाह रहे हैं। इसीलिए हमारे मन से ये कहना है, अभी हम कार्य कर रहे हैं और पूरा देश भर हम घूम रहे हैं, विश्व से हम समर्थन ले रहे हैं और नेपाल के नेपाल में कार्य चल ही रहा है और विश्व में कार्य करा रहे हैं। और हम लोग कहाँ कहाँ क्या करना है, अभी मैं कल JNK जा रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, यही हिंदू राष्ट्र का समझिए। तो हमारा मूवमेंट चल ही रहता है और मैं सोते नहीं हूँ क्योंकि रात भर हम दिन भर हम देख रहे हैं कि कैसे हिंदू राष्ट्र को स्थापना किया जाए, ये हमारा मंच का कहना है। आपका कोई मतलब संस्था भी है कोई किसी चीज से? फाउंडर इंटरनेशनल चेयरमैन नेपाल हिंदू राष्ट्र, ये हिंदू राष्ट्र का हमारा एक मंच है, फेडरेशन है ये। हाँ, जो छोटा छोटा संस्था होता है वो हमारा एक बैनर का अंडर होता है। तो इसीलिए ये मंच के अंडर हम इसलिए बनाया गया कि छोटा छोटा अपना कार्य कर रहा है उनको भी एक आबद्ध करा के एक प्लेटफॉर्म में ला के। इतने सारे हिंदू आपके समर्थन में हैं, वहाँ के नेता हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? वो इसलिए नहीं मानते हैं, वो लोग वहाँ में वो कोई नेता नहीं है, नेपाल में कोई शासन नहीं है, ये नेपाल में जो है ये डिक्टेटिव सिस्टम है, इनका कोई मतलब नहीं, जो मर्जी वही करता है, जो दिल में आया वही काम करता है, जो कानून बोल के वहाँ है। चुनाव नहीं होते क्या? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है, चुनाव होता है तो चुनाव के टाइम में एक बोलता है, जाने के बाद में एक करता है, आपने आप निर्णय लेता है, जनता का सुझाव को डस्टबिन में डाल दिया जाता है। जनता का सुझाव आया था हिंदू राष्ट्र लिखना है तो वो सुझाव को डस्टबिन में डाल दिया गया, फाड़ दिया गया, क्योंकि वो लोग खुद ही स्वयं धर्म परिवर्तन करके पास्टर बने हुए है प्रतिनिधि, तो वो कहाँ हिंदू का वकालत करेंगे, वो तो ईसाई का वकालत। संख्या कितनी संख्या होगी हिंदुओं की वहाँ पर? 81 अभी आज के दिन में दिखा रहा है वो सेंसस में, और सेंसस का अगर आज हम डिक्लेयर करें कितना क्या है तो वो 70 के आसपास आ चुका है, लेकिन लेकिन कर नहीं रहे वो लोग, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, डिक्लेयर नहीं करेगा तो 81 ही दिखाता है, लेकिन 81 नहीं है क्योंकि गिरा चुका है वो डे बाय डे। उन लोग का क्या हो रहा है कि धर्म परिवर्तन में लागे हुए, शासन खुद ही लगा हुआ है और एक संविधान है, कॉपी एंड पेस्ट, कहीं से कॉपी कर दिया संविधान को, संविधान देखिए कॉपी से नहीं चलता है, संविधान देखिए ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो वहाँ का देश का ज्योग्राफिकल एरिया का कंडीशन क्या है, वहाँ का पढ़ा लिखा शिक्षित अशिक्षित वर्ग कितना है और वहाँ का मेंटेलिटी ऑफ द पीपल क्या है और मेल कितना है, फीमेल कितना है और पर कैपिटल इनकम क्या है और कितना विकसित देश है, कितना बैकवर्ड देश है, उस सबको मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करके संविधान बनाना पड़ता है। लेकिन इनके पास तो कोई दिमाग नहीं है, सीधा कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। तो उसमें भी कॉपी एंड पेस्ट संविधान में भी धारा 26 उपधारा 3 में लिखा गया, धर्म परिवर्तन करता है तो उसको कानूनी दंडनीय कार्रवाई किया जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो वो भी नहीं होती? नहीं नहीं, वो संविधान मानते ही नहीं, कुछ ही नहीं मानते लोग, ये लोग अपने आप खुद ही मानते हैं। तो आप कैसे, इतनी बड़ी चुनौतियां हैं वहाँ पर सर, जब सरकारी इस चीजों को आप जिस प्रकार से आपके वक्तव्य द्वारा हम सुन रहे हैं कि वहाँ पे नहीं मानते हैं, तो फिर आप कैसे इन चीजों को करवा पाएंगे सर? जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है तो ये कैसे होगा फिर सर? ऐसा है, जैसा महावदी जैसा राजा था, राजा में तो हिंदू राष्ट्र था, वो राजा हिंदू का साम्राज्य था तो सुरक्षित थे, जैसा महावदी ने आंदोलन के जरिए राष्ट्रस्था फेंका और हिंदू राष्ट्र को अपना शासन कब्जा कर लिया, उसी तरीके से हम सनातनीवादी एक होकर, विश्व का सनातनी एक होकर, नेपाल में 2,64,00,000 टोटल आबादी है, उ आबादी को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने में, और 140 करोड़ भारत में है और विश्व का हिंदुत्व है 659 करोड़, 660 करोड़, तो 660 करोड़ अगर हिंदुत्व एक हो जाएगा तो
वो नेपाल को 2,64,00,000 में हिंदू राष्ट्र घोषणा करने में कोई समय नहीं लगेगा और ये मुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है और ये होके ही छोड़ेगा। और इस तो क्या आप इसकी मदद क्या भारत के प्रधानमंत्री जी से भी ले रहे हैं? वो अरे वो हिंदूवादी सबसे ले रहे हैं, लिखित में है मेरा साथ, मैं आपको दिखाऊंगा लिखित में, आपको मैं भेज दूंगा यूट्यूब में आपका ये इसमें व्हाट्सएप में पूरा लिखित में हमको समर्थन मिला हुआ है, पूरा विश्व से हिंदू थे। अच्छा, जनक दुलारी जो है उनकी जो है जन्मभूमि मानी जाती है जनकपुर धाम, हाँ सीता माता का जनकपुर धाम सीता, तो हमारा और भारत और नेपाल का एक रिश्ता रिश्ता है, रिश्ता अरे पक्का है, दामाद और ससुर का रिश्ता है, हमने बेटी दिया आप दामाद हो गया हम ससुर हो गया, इस तरीके का रिश्ता है, क्योंकि सीता नेपाल में जन्म हुई और राम का अयोध्या में जन्म हुआ, तो हम उन दोनों का शादी हुआ तो मिलन हुआ घर बस गया, तो हम लोग दोनों तो एक हो गया ना, तो हम ही कहाँ बाहर का कहाँ भीतर का है, कोई भीतर बाहर का नहीं है। जो वहाँ के युवा क्या चाहते हैं, युवा जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य जो है एक किरदार निभाते हैं, क्योंकि युवा जो है आने वाला जो है भविष्य होते हैं, तो युवा क्या चाह रहे हैं? युवा चाहते हैं हिंदू राष्ट्र, युवा चाहते हैं रोजगार, युवा चाहता है ये शांति, युवा चाहता है विकास, विकास फर्स्ट क्लास डेवलपमेंट लाना है देश में। वो कब संभव है? जब हिंदू राष्ट्र होगा तभी संभव है, क्योंकि नेपाल बचाना है तो नेपाल हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ इसलिए नारा है, जब हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो नेपाल नहीं रहेगा, नेपाल नाम ही मिट जाएगा, ईसाई नाम लिखा जाएगा काल। अच्छा, तो क्या दिक्कतें आती हैं अगर ये चीज आप जिस प्रकार से आप जरूरत समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बने वहाँ पर, तो क्या दिक्कतें इस समय, क्या प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा क्रिएट हो रही है वहाँ पर? कुछ क्रिएट नहीं है, आप भंसार जीरो करेंगे और नेपाल में युवा प्रचलित करेंगे और नेपाल में विकास लेंगे और सनातनी राष्ट्र हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर घोषणा करेंगे, उसके बाद में ये लोग जितने धर्म परिवर्तन कर चुके हैं तो इन लोगों को खुद ही सोचेंगे अभी हम कहाँ जाएं, इनका देश कहाँ है, ये तो हिंदुत्व का देश है, धर्म परिवर्तन करके वहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा चुनौती है, अगर रहते हैं तो उनको भगाया जाएगा, ये हमारा चुनौती है। जो धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन के रहा है, ईसाई का रहने का देश नेपाल नहीं है और मुस्लिम का रहने का देश नेपाल नहीं है, ये आप लिखित में मैं दे चुका हूँ, और रहने का अधिकार भी नहीं है ना रहने दिया जाएगा। लेकिन सबको तो स्वतंत्रता है ना, कोई कहीं भी रह सकता नहीं, स्वतंत्र वही निश्चित, तब हिंदू राष्ट्र घोषणा हो गया तो स्वतंत्र कहाँ से आ गया, स्वतंत्र कहाँ से आ गया, स्वतंत्र शब्द कहाँ से आ गया, आप शब्द का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू, स्वतंत्र तो मतलब ही नहीं है, सपना नहीं हो सकता, भाषा प्रयोग नहीं हो सकता है, उस सबको भगाया जाएगा, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे तो फिर दंगे हो जाएंगे। तो दंगे होने से क्या, पहला नहीं था क्या हिंदू राष्ट्र था, पहला हिंदू राष्ट्र था तो क्या था, शांति का माहौल था नेपाल, एकदम शांति देश था नेपाल, आप इतिहास पढ़ ले, और जब हिंदू राष्ट्र ये लोग ने खत्म किया तब अब दंगा शुरू हो गया, पहले तो दंगा नहीं होता था क्योंकि हिंदू राष्ट्र था, अब हिंदू राष्ट्र आएगा कोई दंगा नहीं होगा, शांति का माहौल होगा, ये जो दंगा कराने वाला ये धर्म परिवर्तन करने वाला इनका रहने का अधिकार, इनको भगाया जाएगा देश से। तो लास्ट में आपको तमाम लोग देख और सुन रहे हैं, क्या अपील और क्या उनसे कहना चाहेंगे? हम ये कहने चाहते हैं संपूर्ण सनातन परिवार को आ जाए, एक होकर नेपाल को देवभूमि को देवी देवता का जन्म स्थल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करें, सब एक प्लेटफॉर्म में रहें, कार्य करें, और हम जब तक नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं लाएंगे तब तक न्यू टेक्नोलॉजी न्यू नेपाल न्यू मिशन न्यू विजन और यूथ टू बी डिप्लॉयड इन द कंट्री, युवा भी कंट्री में रोजगार मिलेगा, मिशन भी होगा, विकास भी होगा, अर्थ भी आएगा और देश तरक्की मिल जाएगा, इसलिए सबको एकजुट होकर पुनः नेपाल को हिंदू राष्ट्र करके नेपाल नाम बचाना आवश्यकता है, ये मैं सबसे अपील और निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर।